गोल्फ खेल रहे थे, तभी AK-47 की गोलियों से पूरा गोल्फ कोर्स गूंज उठा। उन पर गोलियां चलाने वाला हमलावर पकड़ा गया है। लेकिन अब जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। दावा है कि ट्रंप की हत्या की सुपारी देने वाला कोई और नहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है। डोनाल्ड ट्रंप पर AK-47 से फायरिंग, हमलावर ट्रंप से 300 मीटर की दूरी पर था। दो महीने में दूसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमला। कौन है जिसने की ट्रंप की जान लेने की कोशिश? किसने रची डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर की साजिश? ट्रंप पर हमले पर FBI ने क्या कहा? President Donald Trump is safe and unharmed. हमलावर का क्या है यूक्रेन कनेक्शन? दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी में से एक अमेरिका की CIA सन्न है। FBI के एजेंट सन्नाटे में है। अमेरिका के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे की धज्जियां उड़ गई हैं। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रची ट्रंप की हत्या की साजिश। हमलावर को ज़ेलेंस्की ने दी थी हत्या की सुपारी। यूक्रेन से वाशिंगटन DC तक हड़कंप मच गया है। दिमित्री मेदवेदेव के पास कहां से आई ट्रंप पर हमला करने वाले की कुंडली, इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। क्योंकि जो दिमित्री मेदवेदेव दावा कर रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि जंग में ज़ेलेंस्की ट्रंप के प्राण की आहुति चढ़ाना चाहते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पर फ्लोरिडा गए थे। यहां वो पाम बीच पर गोल्फ खेल रहे थे। आरोपी झाड़ियों में छिपकर गोलियां चला रहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही फायरिंग शुरू हुई ट्रंप को तुरंत गोल्फ कोर्ट के होल्डिंग रूम में ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जवाब में फायरिंग शुरू की तो हमलावर अपना सामान छोड़कर भाग गया। हमलावर के पास जो बंदूक थी, जो सामान था, वो आपकी स्क्रीन पर है। तलाशी के दौरान अधिकारियों को गोल्फ कोर्स की बार से लटके दो बैग, एक बंदूक और एक GoPro कैमरा मिला है। Well, we initially took him into custody and held him till the arrival of the federal authorities. The search of the vehicle, looking for any weapons that may be in there, will now be up to the federal authorities and the US Attorney General. फायरिंग का कारण हमलावर झाड़ी से निकलकर एक काली कार में बैठकर भाग गया। गवाहों की ओर से दिए गए बयान से उसकी पहचान हो सकी। एक गवाह ने वीडियो बना लिया था जिसमें हमलावर को देखा जा सकता था। पहली बार यानी दो महीने पहले जब ट्रंप पर गोली चली थी तो वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर में चुनावी रैली कर रहे थे, और इस बार हमले के वक्त वो फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स एरिया में अपने टीम के साथ गोल्फ खेल रहे थे। ट्रंप को जब पता चला कि उन पर हमले की कोशिश हुई है तो वो सबसे पहले तो चौंक गए और फिर हैरान रह गए। अगले ही पल वो पूरे घटनाक्रम को लेकर मजाक करने लगे। उन्होंने अपने डॉक्टर, सलाहकारों और सहयोगियों को भी फोन लगाया। हमले के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों के नाम मैसेज में कहा, मेरे आसपास गोलीबारी हुई थी लेकिन इससे पहले कि अफवाहें कंट्रोल से बाहर निकले, मैं चाहता था कि आप पहले यह सुने। मैं सुरक्षित हूं और ठीक हूं। कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा। मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर दो महीने में दो हमले के पीछे कौन है? क्या रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी में से एक दिमित्री मेदवेदेव जो कह रहे हैं वो सच है क्या कि ज़ेलेंस्की ने ही दी थी ट्रंप की मौत की सुपारी? अगर ये सच है तो ज़ेलेंस्की क्यों लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जान?
यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने एक दिन भी टिके हुए हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, कूटनीतिक समर्थन दे रहा है, नेटो देशों को ज़ेलेंस्की की मदद के लिए कह रहा है। उस देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की जान लेने की ज़ेलेंस्की कोशिश क्यों करेंगे? इस सवाल का जवाब डिटेल में आगे दिखाएंगे। अभी उस हमलावर की डिटेल देखिए जिसने ट्रंप पर हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रयान रॉथ उत्तरी कैरोलिना ग्रीन्सबोरो का पूर्व श्रमिक है। रॉथ का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसकी एक सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने की इच्छा रही है, खासकर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद। एक्स पर एक पोस्ट में उसने यूक्रेन में लड़ने और मरने की इच्छा जताई थी। यह पहली बार नहीं है कि रॉथ हिंसा में शामिल रहा हो। 2002 में रॉथ एक ऑटोमेटिक हथियार के साथ खुद को इमारत में बंद कर लिया था। रयान रॉथ यूक्रेन का समर्थक है, लेकिन इसलिए उसने ट्रंप पर हमला क्यों कर दिया, ये समझने के लिए हमलावर रॉथ की कुछ और डिटेल देखनी होगी। रॉथ के व्हाट्सएप बायो में लिखा है, हम में से प्रत्येक को मानवाधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। हम में से प्रत्येक को चीनियों की मदद करनी चाहिए। मैं क्राको के लिए उड़ान भरने और यूक्रेन की सीमा पर जाकर स्वयं सेवक बनने, लड़ने और मरने का इच्छुक हूं। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।